गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आवर चैप्टर ट्राइंगल हैज कम्प्लीटेड एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, दैट इज मेंसुरेशन। इन मेंसुरेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस द चैप्टर नंबर 13, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। चैप्टर नंबर 13, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। ओके, दिस चैप्टर, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। इन इस चैप्टर के लिए आपको सबसे पहला काम होगा क्या, फॉर्मूले, सभी फॉर्मूले, सभी के किसके, क्यूब, क्यूबाइड, सिलेंडर, कोन, सर्किल, सेमी सर्किल, इन सब के फॉर्मूले लिख लें, इनको लर्न करना है। अगर फॉर्मूले लर्न होंगे तो आपका काम बहुत इजी हो जाएगा, अगर फॉर्मूले लर्न नहीं होंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मूले लिख लें, इनको आज हम फॉर्मूले लिखा देते हैं। ओके, सबसे पहले देखेंगे हम क्यूब एंड क्यूबाइड, क्यूब एंड क्यूबाइड। जैसे कि क्यूब सब लोग जानते हैं, क्यूब क्या होता है, जिसकी लेंथ, विड्थ, हाइट सेम हो। दिस इज क्यूबाइड, तो इसकी ये साइड ए, ये भी ए और ये भी ए, लेंथ ए, हाइट, ब्रेथ है, हाइट है, तीनों सेम होती हैं, तो साइड, इसे कहते हैं हम साइड ऑफ क्यूब ए। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6a². अगर सरफेस एरिया अकेला लिखा हुआ है, इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया ही होता है। अब लैटरल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है, बॉटम को और टॉप को छोड़ दिया जाता है, यानी चारों दीवारों को क्षेत्रफल कह सकते हैं हम। लैटरल सरफेस एरिया होता है 4a². उसके बाद आता है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब, एंड लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ इन क्यूब इक्वल होता है ए रूट 3। अब उसके बाद आता है क्यूबाइड, क्यूबाइड का शेप ये होता है, ये उसकी लेंथ होती है, ये इसकी ब्रेड्थ होती है, ये इसकी हाइट होती है, ये हाइट है और ये ब्रेड्थ है। नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड इक्वल होता है 2l × b, b × h, h × l। लैटरल सरफेस एरिया इसी को कहा जाता है एरिया ऑफ फोर वॉल्स, एरिया ऑफ फोर वॉल्स ऑफ रूम, फॉर्मूला बनता है 2l + b × h। वॉल्यूम
वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है एल इंटू बी इंटू एच एंड लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एक क्यूब और क्यूबॉइड के सारे फॉर्मूले हो गए। इसके बाद आते हैं हम सिलेंडर पर। सिलेंडर सिलेंडर का शेप ये होता है। ये सेंटर इसका ये रेडियस हो जाती है, ये हाइट होती है। अब सिलेंडर में कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला 2πRh, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बन जाता है 2πRh प्लस r, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, उसके बाद सरकमफेरेंस ऑफ बेस टू पाई आर, एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर। अब इसी को मैं अगर हॉलो सिलेंडर हो जाए तो इसको मान लेते हैं कि बड़ी वाली को R1 और इस छोटी वाली को R2 और हाइट तो वही रहती है h, ये R1। अब आता हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर इसकी एक्सटर्नल रेडियस R1, इंटरनल रेडियस R2, उसके बाद वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज्ड इक्वल हो जाता है पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर इंटू एच। उसके बाद टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया 2πh प्लस r, R1 प्लस R2 एच प्लस R1 माइनस R2। ओके, सो स्टूडेंट देयर आर सो मेनी फॉर्मूलाज रिलेटेड टू नेक्स्ट क्यूब कोन एंड स्फीयर हेमी स्फीयर एंड सो ऑन।
ओके तो इनके फार्मूले की एक पीडीएफ बना के आपके पास ग्रुप में आ जाएगी। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 13.1। एक्सरसाइज 13.1 ओके। क्वेश्चन नंबर 1, 2 क्यूब ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर आर जॉइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। देखिए वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, एक क्यूब को वॉल्यूम कितना दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब, तो उस साइड की उस वॉल्यूम उस क्यूब की साइड क्या होगी, साइड ऑफ क्यूब इक्वल ए एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है ए क्यूब, देयरफॉर ए क्यूब इक्वल 64, सो ए इक्वल्स क्यूब रूट ऑफ 64 दैट इज 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर का क्यूब हो गया। अब दो क्यूब हैं, एक क्यूब ये है और दूसरा क्यूब ये है, दोनों को अगर हम ज्वाइन करके रख देंगे तो ये 4 है ये भी 4, तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी 8। अब इसकी हाइट 4 है, इसकी जो है ये ब्रेड्थ जो होगी ये भी 4 ही रहेगी, तो ज्वाइनिंग टू क्यूब्स टुगेदर, अगर हम दो क्यूब को टुगेदर ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा, इट फॉर्म्स अ क्यूबॉइड, तो ये क्यूबॉइड बन जाएगा। तो लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड विल बी इक्वल टू 4 + 4 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड की ब्रेथ वही रहेगी 4 सेंटीमीटर और हाइट ऑल्सो रिमेन 4 सेंटीमीटर, दो को ज्वाइन करने से केवल उनकी लेंथ में अंतर आ जाएगा, बाकी हाइट और ब्रेथ दोनों सेम रहेंगी। अब निकालना है हमको फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड, तो सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड विल बी इक्वल टू 2 LB BH HL, L into B 8 into 4, 4 into 4, 4 into 8, 32, 16, 32, इनको ऐड करेंगे हम तो मिलेगा क्या 82 into 80, दैट इज 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट्स योर आंसर। तो ए सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड विल बी 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर टू इज अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर, हॉलो हेमिस्फीयर टाइप का वेसल है, माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर, एक हॉलो हेमिस्फीयर इस टाइप का माउंटेड ऑन इट्स अ हॉलो सिलेंडर, इसके ऊपर हॉलो सिलेंडर है इस टाइप का, द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर, डायमीटर ऑफ बेसल
14 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी बन जाएगी, रेडियस विल बी 14 अपॉन 2 दैट इज 7 सेंटीमीटर, तो ये रेडियस हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। एंड द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर, ओके, द टोटल हाइट ऑफ बेसल इज 13, टोटल हाइट का मतलब यहां से लेकर यहां तक, टोटल हाइट ऑफ वेसल इक्वल 13 सेंटीमीटर, देयरफॉर तो ये सिलेंडर की हाइट होगी, ये इसकी रेडियस होगी, सो हाइट टोटल, टोटल हाइट का मतलब क्या होगा, एच प्लस आर इक्वल 13, आर की वैल्यू 4, एच प्लस 4 इक्वल 13, सो एच इक्वल हो जाएगी 13 माइनस 4 इक्वल 9 सेंटीमीटर, तो हाइट ऑफ सिलेंडर, सो हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, सिलेंड्रिकल पार्ट विल बी 9 सेंटीमीटर। उसके बाद फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, सो इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, वेसल के इनर सरफेस एरिया निकालना है, ये क्या होगा, सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सी एस ए ऑफ सिलेंडर, सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सी एस ए ऑफ सिलेंडर, सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2πRh, 2πr² प्लस सी एस ए ऑफ सिलेंडर होता है 2πRh, अगर हम 2πr कॉमन ले लें, 2πr कॉमन ले लिया हमने तो क्या मिलेगा हमें, आर प्लस एच, वैल्यू रख दें 2 और पाई इंटू आर, आर की वैल्यू, आर की वैल्यू है 4, सॉरी 7, तो पाई की वैल्यू भी रख दें हम 22 अपॉन 7 इंटू 7 7 प्लस एच 9, 7 7 कैंसिल, तो 44 इंटू 16 दैट इज 704 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया, ओके, इसको नोट करें और नेक्स्ट क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, ओके, सबसे पहले रीड करें क्वेश्चन, स्टूडेंट्स हैव आई मिस्ड सम मिस्टेक, रेडियस 7, आर की वैल्यू 4 रख दी, यहाँ 7 रखना है बेटा, 7 13 माइनस 7 दैट इज 6 सेंटीमीटर, तो एच की वैल्यू हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, आर की वैल्यू 7, एच की वैल्यू 6, 6 मीन्स यहाँ हो जाएगा 13, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम, सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके, सो दिस क्वेश्चन नंबर 2 हैव बीन कंप्लीटेड, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, सी हियर
क्वेश्चन इज द टॉय इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस. एक हेमिस्फीयर इस पर रखा हुआ है एक कोन, इस पर ही कोन रखा हुआ है. रेडियस दी गई है, रेडियस ऑफ कोन इक्वल गिवन टू यू 3.5 सेंटीमीटर. सेम रेडियस कौन की है, सो रेडियस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ स्फीयर हेमिस्फीयर विल बी सेम 3.5 सेंटीमीटर. उसके बाद द टोटल हाइट ऑफ टॉय 15.5 सेंटीमीटर. टोटल हाइट ऑफ टॉय इज गिवन टू यू 15.5 सेंटीमीटर. यानी ये टोटल हाइट दी गई है, तो ये 3.5 हो जाएगी. इसकी वैल्यू फाइंड कर लें हम. देयरफॉर हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट की हाइट कितनी हो जाएगी, 15.5 - 3.5, दैट इज 12 सेंटीमीटर. अब हमें फाइंड करना है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय. टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय विल बी इक्वल टू CSA. सबसे पहले CSA के लिए इसकी क्या निकालना है, स्लैंट हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट. L इक्वल हो जाएगा अंडर रूट H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर. H की वैल्यू क्या है, 12 स्क्वायर प्लस R की वैल्यू 3.5 स्क्वायर 144 प्लस 12.25. ऐड करेंगे हम कि क्या मिलेगा, 156.25. तो ये बन जाएगा क्या, किसका स्क्वायर बनेगा, ये बनेगा 12.5 सेंटीमीटर. ये स्लैंट हाइट हो गई इसकी. अब हमें निकालना है इसका टोटल सरफेस एरिया. टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय विल बी इक्वल टू CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर. कोन का CSA होता है पाई आर एल प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2πr². अगर हम पाई कॉमन ले लें तो बन जाएगा क्या, पाई और आर भी कॉमन ले लो, आर कॉमन ले लिया तो एल प्लस 2 बचेगा और आर बचेगी. अब वैल्यू रखिए 22/7 इंटू आर की वैल्यू 3.5, एल की वैल्यू 12, 2 इंटू 3.5, 7 × 5 = 0.5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 11, और ये 12 प्लस 7 तो 11 इंटू 19, तो ये बन जाएगा 209 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, सो दिस क्वेश्चन हैव बी कंप्लीटेड. सो 3 क्वेश्चन हैव बी कंप्लीटेड एंड नाउ वी विल ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड कंप्लीट अप टू क्वेश्चन नंबर 6. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव अ नाइस डे.